हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एज मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने एक ऐसे ईयरफोन्स का रिव्यू करने वाला हूं जो कि मैं काफी दिनों से मैं खुद कोशिश कर रहा था कि इस कंपनी का ईयरफोन मैं ट्राई कर सकूं काफी नोन ब्रांड है काफी मींस ऑडियो डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा नाम है ब्रांड का मुझे चांस नहीं मिल रहा था पहले ये ईयरफोन्स ये का भी टेस्ट करने का लेकिन अभी मुझे चांस मिला तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं कैसे है ये तो मैं बात कर रहा हूं बोस की तरफ से आने वाले ये स्पोर्ट ईयरबड्स के बारे में जैसे मैक्सिमम लोग जानते होंगे आप लोग कि बोस एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ ऑडियो डिपार्टमेंट में काम करती है और ये ऑडियो प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा नाम है मैं अगर आप बोस का नाम ही सुन लो तो सब सोचते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होता है तो ये जो ट्रू वायरलेस इयरफोन्स है इनका प्राइस वैसे सत्रह हजार का प्रोडक्ट है ये काफी कॉस्टली है प्रीमियम सेगमेंट में ही होते हैं बोस के मैक्सिमम आइटम्स महंगे ही होते हैं अब इस प्राइस में ये प्रोडक्ट कैसा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई है मैं तो खुद काफी हाई सोच के बैठा हुआ था जब मैंने परचेज किया कि बोस है नाम इतना है बोस का तो कुछ तो अलग होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके बारे इसका साउंड परफॉर्मेंस कैसा है माइक कैसा है इनका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है सब मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी वाला वीडियो देख ले आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें चलिए आगे बढ़े तो आप इसे अनबॉक्स करोगे तो बेसिकली आपको इस बॉक्स के अंदर ये सब मिल जाता है सबसे पहले आपको ये कुछ बुकलेट्स मिलती हैं पहला वाला ये है आपका स्टार्ट हेयर मीन ये यूजर मैनुअल है कि आपको क्या करना है कैसे पेयर करना सब मेन्शन रहेगा इस इसपे इसके ऐप को आप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर से वो सब किया हुआ है वेयर कैसे करना सब मेन्शन है इस इसपे आपको ये मिलता है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है ये केबल जो कि टाइप सी केबल है कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिलते हैं आपको और ये टिप्स देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि विंग्स बने हुए हैं मीन्स फिन बने हुए हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्टेबल रखने के लिए ये उसमें ये बने हुए हैं लास्टली आपको आपका केस मिलता है जिसपे की बर्ड्स है ये केस थोड़ा बड़ा है इन कम्पेरिजन टू जाबरा से और आपको नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई नजर आती है ऊपर आपको बोस की ब्रांडिंग मिल जाती है आगे की तरफ आपको एक बटन मिलता है और ये पुश बटन है मीन्स ये लॉक सिस्टम है ये मैग्नेटिक नहीं है केस और ये आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं जो इस केस का चार्जिंग लेवल बता देते हैं केस को खोलने के लिए आपको बस ये बटन को पुश करना है देखिए इस तरह से खुल जाता है ये क्लिक लॉक है और पीछे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और आपको ये इंडिकेटर दिख रहा होगा ओपन करते हैं जैसे ओपन करेंगे ये पेरिंग में चल जाएंगे तो बर्ड्स कुछ इस तरह से मिलते हैं आपको बर्ड्स के ऊपर भी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और बर्ड्स के ऊपर भी आपको बोस की ब्रांडिंग मिलती है बर्ड्स मैग्नेटिक है देखिए और केस के ऊपर एक आपको बटन मिलता है ये बटन इसको पेयर करने के काम आता है अगर आपका पेयरिंग नहीं हो रहा है किसी रीजन से आपको आपको इसको प्रेस करके रखना है तो पेयरिंग में चल जाएगा तो अगर बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स का डिजाइन कुछ इस तरह से आप दिख रहा होगा आपको कुछ अलग टाइप का डिजाइन है इनका इनका इन ईयर भी नहीं है और ये बहुत ही अलग डिजाइन बनाए इन्होंने और आपको ईयर फिस्स दिख रहे होंगे जो आपके ईयर में स्टेबल रखने के लिए बनते हैं यहीं पर आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है क्योंकि राइट वाला बर्ड इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि इसका इन ईयर डिटेक्शन काम करने के लिए काम आता है आपको यहाँ डी इंडिकेटर मिलता है और यहाँ दो माइक्स है इधर और इधर दो माइक्स है सिर्फ राइट वाले बर्ड में आपको माइक्स मिलते हैं लाइट वेट है और फिटिंग अच्छी है इनकी अगर आप लेफ्ट वाले से कंपेयर करोगे तो राइट वाला थोड़ा डिफरेंट है राइट right वाले में आपको ये होल्स माइक के होल्स दिखते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं हम तो राइट वाले में एक, एक एक्स्ट्रा सेंसर दिख रहा है जो वे सेंसर है लेकिन लेफ्ट वाले में नहीं है वो तो इन्होंने सिर्फ राइट वाले में ही मोनोबर्ड का सपोर्ट दिया है बाकी सिमिलर है डिजाइन अच्छे लगते हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं तो ये कुछ तरह से दिख जाता है आपको डिजाइन में बिल्ड कॉडी अच्छी है पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और बर्ड्स भी प्लास्टिक बिल्ड है बिल्ट अच्छा है कुछ मजबूत फील होता है तो तो ये इनका बिल्ड क्वालिटी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है कुछ कुछ चीजें अभी मुझे लगता है कि और अच्छी हो सकती थी बिल्ड में जैसे कि इनका जो केस है ये मैग्नेटिक होता तो अच्छा आप अगर साइलेंट एनवायरमेंट में इसे यूज करना चाहोगे तो इस तरह से आवाज आएगी ये जो सही नहीं लगा मुझे बात करते हैं कंट्रोल्स की तो दोनों में आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं आपको इनमें इनबिल वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है प्लस आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो कस्टमाइजेशन आपको मिलती है लेफ्ट वाले बर्ड की आप लेफ्ट वाले बर्ड से क्या करना चाहते हो आप कस्टमाइज कर सकते हो कनेक्टिविटी में अगर बात करते तो आपको इनमें ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दिया है बोस ने और मैंने देखा कि इनमें डुअल पेरिंग का तो सपोर्ट नहीं है प्लस इनमें इंडिविजुअल मोनोमोड सिर्फ राइट right वाले बर्ड में सपोर्टेड है आप लेफ्ट वाले बर्ड को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते इसके अलावा कनेक्टिविटी में आपको इनमें एक बटन मिल जाता है यहाँ जिससे आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं पेरिंग में लेके जा सकते हैं ये जो केस है ये भी ओपन एंड कनेक्ट फीचर सपोर्ट करते हैं मीन ये केस को आप ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक पेरिंग में चल जाएंगे और जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड थे उस लास्ट डिवाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो जाएंगे इस पे आपको वेयर डिटेक्शन में मिलता है लेकिन वो सिर्फ राइट वाले वेबर्ड के लिए मिलता है अगर आप राइट वाले को वेर करते हो तो आपका जो भी म्यूजिक था वो प्ले होने लग जाएगा निकालते हो तो पॉज हो जाएगा जाए बोस बोलता है इन ईयर डिटेक्शन इसके बाद बात करते हैं वॉटरप्रूफ रेटिंग क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है तो, तो इनको आईपीएस फोर की रेटिंग दी है इन्होंने अब यहां मुझे लगता है कि एटलीस्ट आईपीएस फाइव तो होना चाहिए था क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको यह सोच के चलना होगा कि बंदा जो भी है हो सकता है जॉगिंग वगैरह करता हो जॉगिंग करते करते बारिश होती है तो क्या होगा हेवी रेन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको ध्यान रखना है तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में ये है कि इनका अपना ऐप है बोस का, बोस का का म्यूजिक ऐप है आप वो ऐप इंस्टॉल करके इनका फोनवेयर अपडेट कर सकते हो टच कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हो इयरफोन का नाम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ये फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको कोई इक्वलाइजर का ऑप्शन नहीं मिलता है आप इसकी साउंड को कस्टमाइज नहीं कर सकते अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि बोस काफी चीजें नहीं बताता है इसने ना ही बताया है कि इस पर ड्राइवर्स कौन से इनबिल्ट है ना ही इन्होंने बताया कि इनके अंदर बैटरी जो लगी है उसकी कैपेसिटी क्या है लेकिन इनका म्यूजिक टाइम बताया है बोस ने बोस के अकॉर्डिंग आप एक बार इन्हें चार्ज करोगे तो आप लगातार पांच घंटे तक लगातार म्यूजिक सुन सकते हो बर्थ से प्लस आपको दो बार और चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है केस के थ्रू दैट मीनस इस तरह से आपको टोटल पंद्रह घंटे मिल जाता है म्यूजिक टाइम तो मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया मैंने हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम टेस्ट किया तो ये चार घंटे लगातार चले दैट मीस बैटरी बैकअप स्टिल ठीक है हंड्रेड परसेंट बहुत होती है आप हंड्रेड परसेंट सुनोगे नहीं तो बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब अगर बात करते हैं चार्जिंग की तो चार्जिंग में मैंने देखा है कि इस पर सी का सपोर्ट मिलता है यहाँ कोई इश्यूज नहीं है टाइप सी पोर्ट दिया गया है और इनमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है मैंने जब ये टोटली डिस्चार्ज हो गए थे मैंने 10 मिनट के लिए बर्ड्स को चार्ज किया उसके बाद इन्होंने मुझे हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम में सौ मिनट का म्यूजिक टाइम दिया जो कि बहुत होता है और फुल चार्ज भी बहुत जल्दी होते हैं बर्ड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ पैंतालीस से पचास मिनट लगते हैं केस को फुल चार्ज होने में डेढ़ घंटे तक लगे जाते हैं अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसमें मुझे बहुत उम्मीदें थी बोस से इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट है वो कहीं लिखा नहीं हुआ है उसका साइज क्या है इनमें लेकिन एक चीज आपको कोडेक्स में एस और ए दोनों का सपोर्ट आपको मिलता है और अगर साउंड सिग्नेचर की बात करें तो देखिये बहुत ही बेस हेवी नहीं है ये इनका साउंड सिग्नेचर काफी बैलेंस्ड है मीन्स इस इसमें आप समझ सकते हो कि इनको ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे से किया गया है म्यूजिक क्वालिटी के लिए बहुत बढ़िया है ये आपको सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के सेपरेशन वगैरह सब अच्छी फील होती है

म्यूजिक होता है ना ये सबके अपनी अपनी पसंद होती है किसी को बेस पसंद होता है किसी को फ्लैट साउंड क्वालिटी पसंद होती है तो ये अपनी अपनी पसंद होती है तो ये ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि काफी कॉस्टली एयरफोन है तो ये सब फीचर्स देना बहुत जरूरी है आज की डेट में लाउडनेस भी बहुत है इनकी आराम से आप इन्हें फिफ्टी से सिक्सटीट सुनोगे काफी लाउड हो जाता है तो ऑडियो डिपार्टमेंट में सीरियसली बहुत बढ़िया है अब आते अगर बात करते हैं माइक की तो देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक है क्योंकि इनमें राइट वाले बर्ड में डुअल माइक का सेटअप है और लेफ्ट वाले बर्ड में एक भी माइक नहीं

परफॉर्मेंस मिल रहा होगा तो इनका आपको आइडिया हो गया कि कैसा है इनका ऐसे तो कर रहा है अच्छा भी है बस यही की अगर दोनों में ये दोनों -दो दे तो बात करते हैं गेमिंग की तो इसपे एस बी और ए को लेकर सपोर्ट है और कोई इस पे लो लेरेंसी मोड तो नहीं है और मैंने जो देखा कि मेरे सैमसंग के टाइम में डिले कम मिल रहा था और मेरे एम के फोन में डिले मिल रहा था तो ये डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सा है तो आप गेमिंग टेस्ट देख लो आपको आइडिया हो जाएगा इनका गेमिंग परफॉर्मेंस चलिए आगे बढ़ता है अगर बात करते हैं कंफर्ट की तो देखिए स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बने हैं बस आपको ध्यान रखना इनके जो ईयर टिप्स है वो आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर लीजिए अपने के हिसाब से उसके बाद इनको यूज करिएगा क्योंकि मेरे केस में मैंने देखा कि इनका जो स्मॉलर साइज था वो मुझे ठीक सेट हो रहा था बड़े वाले में थोड़े तो लूज हो रहे थे निकल जा रहे हैं बाकी कंफर्टेबल तो बहुत है मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके कैसे लगते है उसमें तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ आपको बस इन्हें इंसर्ट करना है और ज्यादा पुश नहीं करना बस यही छोड़ देना है तो आपको यहां पर लॉक हो जाएंगे देखिए ये जो इनका ईयर फिन है आपका अंदर सेट कर लेना है इसी तरह लेफ्ट वाला आपको बस ऐसे इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ हल्का सा लॉक कर लेना है इनको तो इस तरह से लॉक हो जाते हैं देखिए तो आप देख रहे हो कैसे दिख रहे हैं है उसमें कंफर्टेबल तो काफी है मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है नॉइज एस की अगर बात करूं तो पूरा पूरी नॉइज तो ब्लॉक नहीं करते क्योंकि फुल इंडिया डिजाइन नहीं है तो आप बोल सकते हो सेवेंटी से एट्टी परसेंट बाहर की नजर ब्लॉक कर रही है ऐसे फिटिंग में कोई कंप्लेंट्स नहीं है और स्टेबल भी है देखिए काफी स्टेबल्स हैं तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के लिए अब अगर बात करते हैं कुछ इश्यूज की या फिर बोल सकते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की या फिर ड्रॉबैक्स की एक जो मुझे इशू लगा हुआ जो मैंने जो मंगाया था कि जब मैंने म्यूजिक के लिए यूज कर रहा था ना बीच में अचानक से ना एक क्लिकिंग साउंड आ रही थी तो वो काफी अलग रही थी उसमें तो उसमें कोई डिफेक्ट था ही है तो मैंने रिप्लेस करा लिया उसके बाद इसमें इशू नहीं आ रहा है लेकिन ये मीन्स मुझे इश्यू फेस हुआ था दूसरा बोल सकते हो ड्रॉबैक है या फिर डिसएडवांटेज है सिर्फ राइट वाला बर्ड को ही आप मोनो बर्ड जैसे यूज कर सकते हो लेफ्ट वाले बर्ड को नहीं कर सकते तीसरा माइक इनको उतना अच्छा नहीं है माइक और अच्छा हो सकता था चौथा साउंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस के ईयरफोर्स में तो होना चाहिए अब अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा तो देखिए इस प्राइस में मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला क्योंकि इस प्राइस में काफी ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है मार्केट में स्पेशली जाबरा के ईयरफोर्स प्रेजेंट है जाबरा के एटी फाइव टी जो इनसे तो काफी अच्छे हैं क्योंकि उनका सेटअप भी बहुत अच्छा है प्लस उसमें डुअल पेयरिंग मिलता है आपको साउंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है बैटरी बैकअप अच्छा है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है तो मैं ये क्यों लूंगा उस प्राइस में वो ज्यादा बेटर है इनसे तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन अगर आप बोस के फैन हो और आपको बोस ही लेना और आप में से आप पूछना चाहते हो कि ऑडियो के हिसाब से ले सकते हैं कि नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा लेकिन ऐसा ऑलराउंडर प्रोडक्ट ये रिकमेंडेड नहीं है अब आप इनका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे पेयर करना और इसके ऐप को आप यूज कर सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जैसे ही केस को ओपन करते हुए ऑटोमेटिक पेयरिंग में चल जाते हैं अब इसकी लाइट्स देखो अभी व्हाइट जल रही है तो जब इस तरह से ब्लिंक करने लग जाएंगे दैट पेयरिंग में है और इनकेस अगर पेयरिंग में नहीं जाते हैं तो यहाँ जो बटन बना हुआ है आप इसको प्रेस करके रखोगे तो पेयरिंग में चल जाएंगे ये देखिए ये ब्लू लाइट इस तरह करने लग जाएगी दैट अब ये पेयरिंग में है अब अपने फोन के ब्लूटूथ पे जाएंगे देखिए एक्चुअली मैंने इन्हें रीनेम किया हुआ था ऑलरेडी तो इसलिए सिलिकॉन एज बोस नजर आ रहे हैं तो इन्हें कनेक्ट करते हैं तो देखिये बता रहा है कि ए सपोर्ट करता है तो मैं ए ऑन कर देता हूँ तो देखिए ए मोड में कनेक्ट हुए हैं आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप लेफ्ट वाला बर्ड एज अ मोनो बर्ड यूज करना चाहते हो तो होता है क्या तो देखिए नहीं होगा मैंने बाहर निकाला लेफ्ट वाले को केस बंद कर देता हूँ देखिए डिस्कनेक्ट हो गया अब जैसे केस ओपन करूंगा राइट वाला ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा देखिए तो राइट वाला बर्ड एज अर्ड काम करता है लेफ्ट वाले में का ऑप्शन नहीं है अब मैं आपको इसके ऐप आप का एक वॉक थ्रू दिखा देता हूं तो ये बोस का म्यूजिक ऐप तो यहाँ करेंटली बता रहा है कि सिलिकॉन इट्स बोस कनेक्टेड है तो इस क्लिक करेंगे तो देखिए मुझे लेफ्ट और राइट right का बैटरी लेवल दिख रहा है और ये वॉल्यूम कंट्रोल जो है ये ईयरबड्स के इंटरनल वॉल्यूम कंट्रोल है तो यहाँ से भी आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो बाकी ईयरफोन से भी कर सकते हो जो राइट वाले ईयरफोन है इस वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ लेकिन थोड़ा अलग टाइप के इस पर स्लाइड करना पड़ता है आपको तो आपको दिखाता हूं कि अगर आपको वॉल्यूम डाउन करनी है तो आपको इसे नीचे स्लाइड करना है इस तरह से और इंक्रीज करने के लिए ऊपर स्लाइड करना है तो इस तरह से वॉल्यूम कंट्रोल काम करता है इसका ये इंटरनल वॉल्यूम कंट्रोल है इसमें आपको एक सोर्स ऑप्शन दिख रहा होगा ये सोर्स ऑप्शन से क्या होता है आप अपनी पेयर डिवाइस को हटाना है तो इसका अगर मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट नहीं होंगे उसके बाद शॉर्टकट में आप लेफ्ट वाले बर्ड का जो टेबल टैप है अपने बैटरी लेवल सुनना है कि स्किप करना है सॉन्ग्स को तो आप यहाँ से कर सकते हो टिप्स में क्या है आपको हर एक चीज बताया गया कि वॉइस असिस्टेंट कैसे यूज करना है काइंड ऑफ हेल्प हो गया ये हेल्प है इसके बाद और सेटिंग्स में आते है तो आपको प्रोडक्ट नेम यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन आता है आप चेंज कर सकते हो नाम हाउ टू वेयर में बताएगा कैसे वेयर करना है वॉल्यूम टच कंट्रोल ये वही है जो स्लाइड करके वॉल्यूम का कंट्रोल होता है अगर ऑफ कर दोगे तो वॉल्यूम कंट्रोल काम नहीं करेगा इन ये डिटेक्शन अगर आप इन्हें वेयर करते हो तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा पॉज हो जाएगा वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते और आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा वॉइस असिस्टेंट चाहिए आपको लैंग्वेज यहां से चेंज कर सकते हो लैंग्वेज मीस जो इसकी इंटरनल वॉइस प्रॉम्प्ट आता है कौन सी लैंग्वेज में चाहते हो टेक्निकल इन्फॉर्म info में इन्फॉर्मेशन बताएगा इनकी बर्ड्स की तो सिंपल सा ऐप है कुछ खास कस्टमाइजेशन तो नहीं मिलती है आपको इस पर अब मैं आपको इनका म्यूजिक कंट्रोल दिखा देता हूं जैसे प्ले हो रहा है म्यूजिक ऑलरेडी तो मान लीजिए आपने वेयर किया हुआ था सेंसर जैसे नीचे है जैसे मैं छोड़ूंगा म्यूजिक पॉज हो जाएगा देखिए वॉल्यूम कंट्रोल आपको वॉल्यूमेंट दिखा दिया स्लाइड करने से होता है नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले को डबल टैप करना है देखिए प्रीवियस ट्रैक में जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए राइट वाले बटन को टैप करके रखना है दो सेकंड के आसपास देखिए तो सिंपल सा वो कंट्रोल्स मिलते हैं ये तो इनका पेरिंग कंट्रोल्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा रिव्यू इस बोस के स्पोर्ट इयरबर्ड्स का होप आपको आइडिया हो गया कैसे है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाता रहूं थैंक यू फ्रेंड्स बाय